भक्त लोग हैं। ये कृष्ण भक्त कैसा हो गया? सबका भीतर कृष्ण भक्ति है, केवल श्रवणादि शुद्ध चित्ते करोय उदय, उसको उदय करना चाहिए। चीज भीतर में है, केवल साधु संघ में भगवान का विषय में श्रवण करते करते चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है, फिर अपने को देख सकता है जो हमारा परिस्थिति क्या है। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करोय उदय, तो रुचि ये भगवान की कथा में रुचि, फिर निष्ठा भगवत भक्ति में निष्ठा, जितना चित्त शुद्ध होते जाएंगे उतना निष्ठा बढ़ती है। ये भागवत में बताया, सिन्नतान सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्धम तत्स अवद्राणी विधुनति सुहित सताम। भगवान सबके लिए सुहित है, श्रीदम सर्वभूताना, परंतु सताम जो भक्त है उनके लिए विशेष सुहित है। तो भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं। जी भगवान जब देखेंगे कि जो भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है तो उनको हृदय में बैठ करके विधोन्नति, विद्वंतस्त अवद्राणी, अवद्राणी ये लो और काम, काम और लो, ये दो चीज अभद्र चीज, इसको नाश कर देते भगवान। सिन्नतान सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्य, हृदय में है माया की संस्रव होने से हमारा हृदय अपवित्र है। ये काम और लोभ रजोगुण तमोगुण ये हमारा हृदय में बैठ गया। ततो रजस्तमो भावा कामो लोभादयश्च, रजोगुण तमोगुण का ये लक्षण है काम और लोभ, अत्यंत लोभ, प्रयास, हमको दो रोटी मिलने से काम चल सकता है, बाकी हमको दस रोटी चाहिए, इसलिए दिन भर हम इधर उधर घूमते, दो रोटी में समझते नहीं। क्यों? वो काम और लोभ अभी तक हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान की कथा सुंदर चल। इस तरह से एक रुचि निष्ठा, फिर जाकर के आसक्ति, उसका बाद भाव, उसका बाद भगवत प्रेम, साधु का नाम अयम प्रेम नो प्रादुर्भावी भवित क्रम। तो वास्तविक ये चीज जो है भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है, ये जो ज्ञान है वो तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। ज्ञानं तेहं अभिज्ञानं, विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है थियोरिटिकल, ब्रह्म ज्ञान ये थियोरिटिकल है, और स्वविज्ञान भक्ति। ब्रह्म ज्ञान हम समझ गया अहम ब्रह्मास्मि, केवल समझने से काम नहीं चलेगा, स्वविज्ञान उसको काम में ले आना चाहिए, काम में नहीं ले आने से फिर हमारा पतन हो जाएगा। आरुज पृच्छे न परम पदम तत पतंती अधो, बहुत परिश्रम करके तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हुए भी वो फिर गिर जाता है, पतंती अध, क्यों? अनादृत जुष्मत अंग है। ये ब्रह्मज्ञानी लोग भगवान का चरण जो है उसको अनादर करते, भगवान निराकार है, उनको चरण नहीं है, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं। अनादृत जुष्मत अंग है, आरुज्य पीछे न परम पतंग तत पतंती अध, इसलिए विज्ञान जो है वो भगवान को समान है। ज्ञानं सविज्ञान भगवान कहते हैं, ज्ञानं तेहं सविज्ञान, सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषतः, मैं तुमको बता रहा हूं। तो वास्तविक भगवान का विषय है, भगवान से ही मालूम हो सकता है, कैलकुलेशन करने से मनोधर्मी भगवान ऐसी है भगवान ऐसी है नहीं, भगवान जिस तरह से है तो भगवान स्वयं आकर के समझाते हैं, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान, तो फिर उनका विषय है कल्पना करने की क्या जरूरत है। मायावादी लोग कहते हैं कल्पना कर, ब्रह्म का कल्पना कर, कल्पना का क्या जरूरत है, जब भगवान साक्षात सामने मौजूद है,
इधर जो आप लोग सब दर्शन करने को आते हैं, भगवान को ही तो दर्शन करने को आते हैं ना, और कोई चीज दर्शन करने को आते हैं। कि भगवान को स्वयं भगवान इधर मौजूद है, फिर हमको कल्पना करने का क्या जरूरी है? ये ही अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है जो ब्रह्म को कल्पना करें। ब्रह्म का कोई कल्पना कर भी सकता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सभी ज्ञान, आप लोग जो सब ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी, तो सभी ज्ञान विज्ञान सहित इसको सुनिए। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम बक्षामि अशेष जज ज्ञात्या। यदि वास्तविक भगवान को आप समझ गया, जज ज्ञात्या ज्ञान, भगवान को समझना तो साधारण बात नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके जब समझाते हैं तो तब हम लोग को कुछ मालूम होता है। स्वामेव स्फुरत्व सेवन मुखे ही जीवाद, स्वामेव स्फुरत्व अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो हमारा इंद्रिय है, इस इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का परिकर वैशिष्ट, ये जरेन्द्रिय द्वारा समझा नहीं जाता। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो। यदि हम लोग जिह्वा को भगवान का सेवा में नियुक्त करता हूं तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। उसका नाम विज्ञान सभी ज्ञान, और भगवान को समझने से सब ज्ञान लाभ हो। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भवन। इसलिए भगवान कहते हैं जजगात्या नेह भूय अन्नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और को जानने के लिए आवश्यकता है। भगवान अद्वैत ज्ञान भगवान ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। एक ही वस्तु है जो अपना समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से कोई भगवान को ब्रह्म रूप से उपलब्ध करता है, कोई परमात्मा रूप से, और कोई स्वयं भगवान रूप से। जो ज्ञानी लोग हैं क्योंकि अपनी बुद्धि से भगवान को समझने चाहते हैं, इसलिए उसको निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपलब्ध। योगी लोग सब समय भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगी, भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं। और भक्त लोग साक्षात गजेन्द्र नंदन हरि कृष्ण को देखते हैं। प्रेमानन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन। जिसका भगवत प्रेम है वो 24 घंटा भगवान का ही दर्शन करते और कुछ नहीं देखते। वही चैतन्य चैता में तो बताते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरे तार इष्टदेव मूर्ति। जो भगवत प्रेमी है वो कोई भी चीज देखता है उसका भगवान का स्मरण होता है, वो भगवान को देखता है। स्थावर जंगम कोई पेड़ भी देखता है, कोई हाथी भी देखता है, कोई मनुष्य भी देखता है, पंडितार समदर्शी वो देखता है जो भगवान के साथ सर्वेदम अखिलम जगत पर सब ब्रह्म न शक्ति। ये भगवान के शक्ति प्रकृति का विस्तार है, असल में भगवान देखते हैं। इसलिए भगवत प्रेम आसक्ति बढ़ानी चाहिए तो सब समय भगवान का दर्शन हो। प्रेमान्य ने छुरी तो भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेश विलोकन। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ये ब्रह्म संहिता जिसका भगवत प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करता है। नास्तिक लोग बोलते हैं जो भगवान को दिखा सकते हैं, भगवान को देखने के लिए तो आंख होना चाहिए। यही मंदिर में आते हैं, कोई भगवान को देख करके मूर्छित हो जाता है, और कोई बोलता है ये पत्थर का मूर्ति है, इसको देख के क्या लाभ। ये तो प्रेम का बात है ना, भगवत दर्शन करने के लिए आंख भी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, देखते ही जगन्नाथ मूर्छित हो गया। उनका भगवत दर्शन और साधारण नास्तिक जो जाते हैं कि ये लक्की का मूर्ति है, इसको देखने के लिए क्यों इतना आदमी आते, वो कहें। इसलिए प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन है, भक्त लोग ही भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भक्त्यामाम भी जाना जामान जन तत्व, ज्ञानी जोगी वास्तविक भगवत दर्शन नहीं कर सकते, सविज्ञान और दर्शन नहीं होता उसका, थोड़ा ज्ञान से थोड़ा बहुत आगे पहुंच सकता है, बाकी असल दर्शन करने वाला भक्त लोग, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि भक्त्यामाम भी जाना, भगवान कहीं बताया नहीं जो ज्ञान से हमको देख सकता है, ये योग से हमको देख सकता है, नहीं। भक्त्यामाम भी जाना थी जावान दस्यामि तत्त, भगवान को तात्विक समझना चाहिए, तो वो भक्ति से ही संभव है। भक्ति से क्यों संभव है, क्योंकि भक्ति का वश हो जाते हैं भगवान, और जो भक्त होते हैं उसको दर्शन देते हैं, वो भगवान कृपा करते हैं, भक्त को ही दर्शन देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समापित, दूसरे के लिए जोग माया द्वारा आवृत रहते हैं, सब कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। जैसे प्रहलाद महाराज जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज का ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय भगवान नृसिंहदेव खम्मा में प्रहलाद जी को दर्शन दिया, जो डरो नहीं हम इधर है, तो प्रहलाद महाराज देख रहा था, उनका पिताजी देखा, उनको पूछा क्यों तुम्हारा भगवान क्या खम्मा में है, वो बोला हाँ पिताजी खम्मा में है, तो क्रोध से खम्मा को तोड़ दिया। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वो सब जगह में भगवान का दर्शन करते हैं, और जो भगवान का अभक्त होते हैं वो भगवान सामने भी रहने से उसको दर्शन नहीं कर सकते हैं, जोग माया समान। इसलिए वो सविज्ञान, वो विज्ञान जो है भक्ति, भक्ति जो उसको समझना चाहिए, तब जाके भगवान का दर्शन हो।